मंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में फ्लड लाइफ स्टेडियम का लोकार्पण किया है और इस खास मौके पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, भिलाई महापौर देवेंद्र यादव, दुर्ग विधायक अरुण बोरा, पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, बदरुद्दीन कुरैशी, भजन सिंह निरंकारी, पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राज्य में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सभी तरह के संसाधन सरकार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। तो वही लोकार्पित स्टेडियम का नामकरण वासुदेव चंद्राकर के नाम से किए जाने की घोषणा की गई। 10,000 की क्षमता वाले स्टेडियम का निर्माण 1.37 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नगर निगम के द्वारा बहुत बढ़िया स्टेडियम का निर्माण हुआ है, मैं बधाई देता हूँ। और जो प्रस्ताव रखा गया है कि इस स्टेडियम का नाम हमारे राजनीतिक गुरु वासुदेव चंद्राकर के नाम से रखा जाए, तो बहुत अच्छा प्रस्ताव आया, इसे तुरंत स्वीकार भी किया गया। और ये स्टेडियम का नाम वासुदेव चंद्राकर जी, जो हमारे पहले विधायक भी थे, 4-4 बार के विधायक, लंबे समय तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सर्वाधिक समय तक माफेड के भी चेयरमैन रहे,